सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कलर ओएस 12 के ऑफिशियल फीचर के बारे में। और इंडिया में आपको कलर ओएस 12 का ऑफिशियल इवेंट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, और चाइना के अंदर बहुत ही जल्दी ये वाला जो अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज होने वाला है, और इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्क्रीनशॉट है जो कि यहाँ पर वायरल हो चुके हैं। सो इनके फीचर के बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और यहाँ पर कुछ फीचर है उनके लीक है वो भी यहाँ पर सामने निकल के आ चुके हैं। सो इनके फीचर के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो पूरा इस वीडियो को देखते रहिए, और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया सो अभी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना। सो गाइज बात कर लेते हैं सबसे पहले फीचर के बारे में। सो गाइज आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो ये सारे स्क्रीनशॉट है वो आप लोगों को कलर ओएस 12 के ऑफिशियल इवेंट के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहले आपको कलर ओएस 12 का ऑफिशियल इवेंट है वो चाइना के अंदर देखने को मिला था 13 सितंबर को, लेकिन वो अब यहाँ पर डिले हो चुका है जो कि आपको 16 सितंबर को ऑफिशियली यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये आपको ऑफिशियल इवेंट के यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो देखने को मिलते हैं 18:00 मतलब कि आपको 3 PM में यहाँ पर फर्स्ट बीटा अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं कुछ कमाल के फीचर के बारे में। सो आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो ये जितने भी जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये कन्फर्म हो चुके हैं। कलर ओएस 12 आप लोग हेडिंग है वो भी यहाँ पर देख सकते हो, और चाइनीज जो लैंग्वेज है वो भी आपको नीचे मिडिल में यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये जितने भी जो फीचर है वो यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। सो बात कर लेते हैं फर्स्ट फीचर के बारे में। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। सो कंट्रोल सेंटर के अंदर कुछ इस तरीके का पैनल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और होम स्क्रीन है उसका आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन प्लस विजेट का आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का लुक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात करूं मैं अगर आप लोगों से फर्स्ट फीचर के बारे में, सो न्यू UI, सो आपको UI है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, और न्यू आइकन है उनके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और बात करें थर्ड फीचर के बारे में, सो न्यू फ्लोटिंग विंडो, सो फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर नया देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग अपने डिवाइस के फ्लोटिंग विंडो है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सो इसी तरीके के आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्विक व्यू कार्ड, सो ये मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है सो नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हो। और बेटर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये तो एंड्रॉइड 12 का मेन फीचर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और 3G OMIG फीचर, सो एप्पल के जैसे मीमोजी है उसी तरीके से आपको यहाँ पर कलर ओएस 12 के ऑफिशियल OMOGI के यहाँ पर फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पर दिखा दिया है, जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो 3D आप लोग अपना फेस है उसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो कुछ इसी तरीके से। अगर मैं आप लोगों से बात करूं नेक्स्ट फीचर के बारे में, सो वो है विजेट, और विजेट के मैंने बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके के नए विजेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें न्यू चेंज के बारे में, सो कस्टमाइज ऑप्शन, सो कस्टमाइजेशन के अंदर आपको जैसे कि कलर ओएस 11 अपडेट के अंदर जितने यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिले थे उसी तरीके से आपको कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे कलर ओएस 12 अपडेट के अंदर। अब यहाँ पर वेट करना है वो है कलर ओएस 12 के बीटा 1 का। और आप लोगों को एक और नया फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर आप लोग अपने स्मार्टफोन को PC से डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी वायर के। सो यही कुछ स्क्रीनशॉट है, और अगर आप लोगों ने अभी तक भी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया सो इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ओप्पो इंडिया कलर ओएस 12 का आपको ग्रुप देखने को मिलता है, और इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं किया है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।